જગત આખું ક્ષણિક છે ને આત્મા એક નિત્ય છે, આત્માનો અનુભવ બસ એકમાત્ર નિત્ય છે. ચૈતન્ય સ્વભાવી ભગવાન આત્મા અનાદિ અનંત શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્ર હૈ, જ્ઞાન માત્ર હૈ. મેં શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્ર, જ્ઞાન માત્ર, ભગવાન આત્મા હું. પ્રતિ સમય યહ જાગૃતિ બની રહે, ઇસ જાગૃતિ કા નામ ધર્મ હૈ. દેહ કી પ્રત્યેક ક્રિયા કે કાલ મેં ઔર વિકલ્પો કે બહેતે પ્રવાહ કે કાલ મેં, જ્ઞાની કો પ્રતિ સમય યહ જાગૃતિ રહેતી હૈ કે મેં ચૈતન્ય તત્વ, ઇસ દેહ કી કિસી ભી ક્રિયા મેં ઔર વિકલ્પો કે બહેતે પ્રવાહ મેં કહી ભી મિલા નહીં હું, એસા શુદ્ધ ચૈતન્ય તત્વ મેં હું. પ્રતિ સમય સ્વયં કી શુદ્ધ ચૈતન્ય સત્તા કા બોધ આત્મ જાગૃતિ હી ધર્મ હૈ. ચૈતન્ય તત્વ કી સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ હોતે હી, દેહ હોને પર ભી દેહાતીત દશા પ્રગટ હોતી હૈ. ઇતના હી નહીં, વિકલ્પ હોને પર ભી વિકલ્પાતીત દશા પ્રગટ હોતી હૈ. ચૈતન્ય તત્વ કે નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ હોતે હી આત્મા મેં અતીન્દ્રિય આનંદ કા સાગર ઉછલતા હૈ. ફિર ભી જ્ઞાની કી દ્રષ્ટિ ઉસ અતીન્દ્રિય આનંદ કે સાગર કી ઓર ભી નહીં જાતી, જિસ અતીન્દ્રિય આનંદ કે સાગર કા અભી અભી જન્મ હુઆ હૈ. ઔર દ્રષ્ટિ ચૈતન્ય તત્વ પર હી ટિકી રહેતી હૈ, જિસ ચૈતન્ય તત્વ કા કદાપિ જન્મ નહીં હુઆ. યહ ચૈતન્ય તત્વ હી મેં હું. ચૈતન્ય તત્વ કે નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ હોતે હી જ્ઞાન દીપક પ્રજ્વલિત હોતા હૈ. જ્ઞાન દીપક પ્રજ્વલિત હોતે હી એસી યથાર્થ શ્રદ્ધા હોતી હૈ
कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ, चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य महल के पड़ोस में राख की दीवार का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के परमाणुओं का पिंड चैतन्य चांद से अत्यंत दूर है, ऐसी दृष्टि का प्रकट होना ही सम्यक दृष्टि है। भेद विज्ञान एकमात्र उपाय है निर्विकल्प अनुभूति का। और पर के बीच भेद विज्ञान की तत्व विचार की यह यात्रा तत्व विचार चलते चलते विकल्पात्मक चिंतन निर्विकल्प अनुभूति में परिवर्तित हो जाता है, पलट जाता है। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति वर्तमान में त्रिकाली की अनुभूति, फिर अनंत काल तक अनंत सुख को भोगता है। यह भी एक कहने की भाषा है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है वहां अनंत काल का नहीं, अगले समय की पर्याय का भी विकल्प नहीं होता। निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होते ही वर्तमान में त्रिकाली की अनुभूति, क्षणिक में नित्य की अनुभूति, एक समय की पर्याय स्वयं मिटने को तैयार हुई और स्वीकार किया कि मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा। वर्तमान में ही चैतन्य का ऐसा रस पिया कि वर्तमान के पर्याय भूतकाल हो, अब कोई शिकायत नहीं, पूरी तरह से वर्तमान में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व में अभेद निर्विकल्प हो।
आनंद को भोगा। इसलिए अज्ञानी का जो चित्त है वो भूत और भविष्य की कल्पना में ही लगा रहता है। कल मैंने ये किया था और कल मैं ये करूंगा, और इन्हीं विकल्पों में वर्तमान में जो निर्विकल्प अनुभूति का अवसर था वो अवसर गवा देता है। ज्ञानी को भूतकाल, ये कल कल जो काल बीत गया उसकी कोई चिंता नहीं, कि जब कल था तब भी वे वर्तमान में स्वरूप की मस्ती में ऐसे मस्त थे, इसी वजह से कल भूतकाल हो गया, मगर वर्तमान में कल के लिए कोई शिकायत नहीं। शिकायत तो उन्हें होती है जिन्होंने कल का सदुपयोग नहीं किया था, वे दुखी होते हैं, उनका ध्यान वहां जाता है। सीधी सी बात है, जैसे तुम्हें कोई आम दे और आम को चूस लिया तुमने, ऐसे चूसा कि अब गुठली ही अब रही और गुठली को फेंक दिया, गुठली में अब कोई रस नहीं बचा, फेंक दिया। जब तुम्हें आम मिला था तब आम का रस तुमने ऐसे निचोड़ करके ले लिया है, फिर अब गुठली वहां पड़ी है मगर ध्यान गुठली की ओर नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जब वह तुम्हें मिला था तुमने उसका पूरी तरह से निचोड़ कर उपयोग कर लिया है, ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान तो बार बार उसका जाएगा जिसने उसे निचोड़ करके नहीं चूसा है, कि अरे ये गुठली इससे मैं वंचित रहा, अरे ये रस पीने से मैं वंचित रहा। ज्ञानी की दशा ऐसी है, जो कल का दिन था पूरी तरह से प्रति समय स्वयं की अस्थि में ऐसे निचोड़ करके रस पिया है, इसलिए कल के लिए अब कोई शिकायत नहीं रही। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, वर्तमान में ही त्रिकाल सत्ता का आनंद भोगता है। इसलिए मैं ज्ञान दीपक को से ये खास कहता हूँ, वर्तमान में जो भी तत्व विचार हो, उस तत्व विचार में जो भी कार्य हो, अंतर में स्वरूप की जागृति, देह की जो भी क्रिया हो, इस क्रिया में मैं कहीं पर भी नहीं, ये क्रिया मेरी नहीं, ये तत्व विचार हो, मेरा जो कार्य है यहाँ जानना जानना, मगर छल मत करना, माया मत करना, कपट मत करना। अपने साथ दुनिया को तो पता चले या न चले, तुम अपने को धोखा मत देना कि किसी घटना में तो घटित किया और किसी घटना में घटित न किया। प्रत्येक घटना में ये स्वरूप और परद्रव्य प्रभाव से भेद विज्ञान रूप तत्व विचार की धारा, फिर इतनी प्रामाणिकता से जिनका यह तत्व विचार हो, उस जीव को 6 महीने के भीतर सम्यक दर्शन की प्राप्ति, बहुत लंबा काल हो गया उस जीव को तो अभी हुई, अभी अनुभूति हुई, वर्तमान में ही स्वरूप की अस्थि के जोर से उसने पाया। फिर तुम कहाँ हो, किस स्थिति में हो, चलते हो या बैठे हो, खाते पीते हो या सोते हो, कोई भी क्रिया हो उससे कोई फर्क न पड़ेगा। जागृति प्रति समय, यह जागृति, मैं चैतन्य तत्व अनादि अनंत ध्रुव, मैं चैतन्य तत्व, ये मेरी पहचान नहीं। फिर जो शरीर के परमाणु तुम्हें आंखों से दिखाई देंगे, ये मेरी पहचान नहीं, उन परमाणुओं को तुम ऐसे ही देख सकोगे।
फिर दृष्टि तुम्हारी ऐसी सम्यक होगी। शरीर के परमाणु को पहाड़ के परमाणु की भांति जिसने अत्यंत दूर से देखा, उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि। उसी को कहा गैर हाजिर होने की कला। तत्व विचार, विचार 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 विचार, चार का विचार हो रहा था। कल का दिन, जैसे मैंने आपसे कहा, चार का विचार, 4 साल में एक ही बार वो दिन, कल का दिन आया और गया। और उस समय चार 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 का विचार, आज का दिन विचार का दिन, चार का दिन, ऐसा मुझे स्मरण में आ रहा था। यही विचार उसे लाया नहीं, यदि लाता, यदि मैं लाता तो उसे जाने क्यों देता। मैं लाता तो फिर उसे अभी क्यों नहीं ला पा रहा हूं। तुम्हें एहसास होगा विकल्पों में भी, इसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है। और मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है तो रमेश और सुरेश नहीं, मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है। अर्थात जो अनादि अनंत चैतन्य सत्ता है, वो सत्ता में ऐसा एकत्व और उस सत्ता के साथ में ऐसी तन्मयता कि मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है विकल्प में, उस सत्ता के साथ में ऐसी एकत्व। मैं चैतन्य तत्व और चैतन्य सत्ता, उसका विकल्प के साथ में कोई कर्तृत्व नहीं है, ऐसी जागृति प्रकट हो। चार 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 का ही विचार चल रहा था। राज परम कृपालु देव, आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना कर चार जीवों को आत्मसिद्धि शास्त्र देते हैं। वो चार से ही फिर वो शुरुआत हुई, विचार चार चार। और आज का जो दिन है, एक तारीख है, 3रा महीना है, 1-3 1-3 मिलकर चार। मगर जो चार है, ऐसे इतने विकल्प आए हैं, एक एक और
और तीन एक और, दोनों मिलकर चार। आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना नड़ियाद में परम कृपालु देव ने यह रचना की। आप उस दृश्य में देखते हैं तीन ने लालटेन नहीं पकड़ी थी, एक अंबालाल भाई ने लालटेन पकड़ी, एक ने सेवा की और तीन को प्राप्त हो गई, मगर कुल चार जीवों को आत्मसिद्धि शास्त्र। आज 1 तारीख, एक ने लालटेन पकड़ी, तीन ने तो नहीं पकड़ी थी, मगर प्राप्त हुई चारों को। एक की सेवा से और तीन को लाभ मिला, मगर एक की सेवा से तीन को लाभ नहीं मिला, चारों के महापुण्य के उदय से ये चारों को लाभ मिला। सेवा तो की, अम्बालाल भाई ने लालटेन पकड़कर बहुत सेवा की। सेवा सेवा से फिर वो विचार आया, सेवा से ही कच्चे घड़े पक्के होते हैं, वरना जल बाहर निकल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ सेवा करना, मगर बार बार तो मैं चेतावनी भी देता हूँ। और मेरे स्वयं के जीवन में ऐसे लोगों से मिलकर अनुभव हुआ, जितनी अधिक सेवा करते हैं मिथ्यात्व इतना घनीभूत होता है कि कर्तृत्व का भाव और पुष्ट होता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, इसलिए तो अज्ञानी की सेवा बहुत खतरनाक है। अनंत काल, भूतकाल में एक बार नहीं, अनंत बार सेवा की, मगर सेवा में वो मिथ्यात्व का भाव इतना गाढ़ था, इस वजह से वो जो सेवा करने की क्रिया, सेवा करने का भाव, इसलिए मैं साधकों की सेवा नहीं देखता। मैं साधकों की सेवा के कार्य को, क्रिया को नहीं देखता। सेवा करने का भाव कैसा है, नहीं, मैं साधकों की सेवा की क्रिया को भी नहीं देखता और सेवा करने के भाव को भी नहीं देखता। मेरा जोर वहाँ है कि सेवा करने की क्रिया और सेवा करने का भाव, उन दोनों से वह स्वयं को न्यारा चैतन्य स्वरूप मानता है या नहीं मानता है, जोर वहाँ। और अम्बालाल भाई से एक तीन आज मैं 20 राज आपको बताने वाला हूँ। 20 राज, ये पहला राज, राज से ही शुरुआत हुई, राज से आत्मसिद्धि शास्त्र के कॉपी। एक तीन आज का दिन, एक ने सेवा की, तीन को प्राप्त हो गई। एक का नाम तो कृपालु देव ने लिखा, सौभाग्य, सौभाग्य आत्मसिद्धि शास्त्र में, सुभाग्य समझे कोई, सुभाग्य सौभाग्य, तीन के नाम भी नहीं लिखे, मगर सौभाग्य भाई, अम्बालाल भाई, लघुराज स्वामी और माणिकलाल झवेरी, ये चार जनों को परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना करके आत्मसिद्धि शास्त्र दिया था। सेवा तो की थी, मगर सेवा करने के भाव के साथ कितनी अलिप्तता है, और वो अलिप्तता तभी रह सकती है स्वरूप की अनुभूति हो तो। इसलिए ज्यादा जोर उस पर नहीं देता कि तुम सेवा करो, उतना ही अहंकार बढ़ता जाता है, मेरे कारण ही सारा जगत चल रहा है, ये जगत की व्यवस्था मेरे कारण चल रही है, ये अहंकार का भाव पुष्ट होता है। इसलिए तो
तत्व का प्रचार करने का भाव आता है, वह भाव भी मिथ्यात्व के साथ हो तो खतरनाक रूप ले लेता है। इसलिए तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को तो बंध ही नहीं होता। इसलिए तो कर्म की प्रकृति में सर्वोत्कृष्ट पुण्य की प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से पहले जिस प्रकृति का बंध नहीं होता और केवल ज्ञान प्रकट होने से पहले बंधी हुई प्रकृति तीर्थंकर की वो उदय नहीं आता, ऐसी तीर्थंकर प्रकृति, वो तीर्थंकर प्रकृति भी जिन भावों से बंधती है उन भावों में उनका एकत्व नहीं है, ममत्व नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। इस कारण से, क्योंकि स्वयं को चैतन्य स्वरूप माना है, और प्रत्येक ज्ञानी अपनी अपनी भूमिका अनुसार तत्व का प्रचार करते हैं। इसलिए तीर्थंकर भगवान समोसरण में तीन गतियों के जीवों को उपदेश देते हैं। मुनिराज आचार्य कुंदकुंद देव समयसार की रचना करके, समयसार ऐसा ही वहीं पर ही छोड़ देते हैं, किसी को देते भी नहीं कि लो संभाल कर रखना, इतनी मेहनत करके लिखा है, वहीं पर ही छोड़ देते हैं। परम कृपालु देव आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना कर वहीं छोड़ नहीं देते, चार जीवों को आत्म सिद्धि शास्त्र देते हैं। और पूज्य गुरुदेव श्री कान्हजी स्वामी चार जीवों को ही आत्म सिद्धि शास्त्र पर प्रवचन नहीं देते, हजारों लोगों को प्रवचन देते हैं। उसके पीछे ये कारण है, आचार्य कुंदकुंद देव, परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव, ये तीनों की अपनी अपनी परिणति की निर्मलता के अनुरूप वे तत्व का प्रचार करते हैं। जैसे जैसे परिणति निर्मल होती जाती है ऐसे ऐसे विकल्प सिमटने लगता है लोगों से संपर्क करने का। गुरुदेव ने हजारों को उपदेश दिया चौथा गुणस्थान, कृपालु देव ने पांचवे गुणस्थान में हजारों को उपदेश नहीं दिया, चार जनों को ही आत्म सिमट गए। जैसे जैसे दशा निर्मल होती है ऐसे सिमटना होता है। और आचार्य कुंदकुंद देव ने तो चार को भी नहीं, क्योंकि छठा गुणस्थान लिख करके वहीं पर ही छोड़ दिया। और तीर्थंकर भगवान विकल्प ही नहीं है, वो तो पूर्व के कर्म की प्रकृति बंदी थी वो उदय में आ रही है, मगर विकल्प भी नहीं है कि जगत के जीवों को ये ज्ञान प्राप्त हो, इतना विकल्प भी नहीं है, वरना केवल ज्ञान कैसे होता। तो प्रत्येक ज्ञानी अपनी अपनी भूमिका अनुसार जैसे जैसे परिणति की निर्मलता में शुद्धि की वृद्धि होती है ऐसे उपयोग अंतर्मुख होता है, स्वरूप के साथ अंतर में स्थिरता बढ़ती जाती है और जगत जनों से संपर्क टूटता जाता है, विकल्प ही नहीं रहे, जाए तो कैसे जाए। इसलिए परदेश जाने के लिए रुपये की जरूरत कम होती है, परदेश जाने के लिए विकल्प की जरूरत पड़ती है, मगर जब वो विकल्प ही नहीं रहे तो अब क्या करें, ऐसे करके वो सिमटने लगता है। इसलिए परम कृपालु देव एक ने सेवा की और तीन जनों को आत्म सिद्धि शास्त्र प्राप्त हुआ, ऐसा विचार चला, एक और तीन चार, एक और तीन मिलकर चार, ऐसा ये परम कृपालु देव ने हमें ये बोध दिया। ऐसा फिर विचार आया, परम कृपालु देव चार विचार, फिर दूसरा विचार, प्रत्येक जीव के प्रति ऐसा करुणा का भाव ज्ञानी को आता है कि उन्हें भी आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, उन्हें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, मगर सभी को उपदेश कैसे दे, उनकी भाषा न जानते हो। तो मुनिराज ने शेर को उपदेश दिया और शेर अपनी शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन पा लेता है।
मगर शेर की पर्याय में शेर ने शेर का उपदेश तो नहीं सुना था, मुनिराज का योग पाया था, मनुष्य गति की महिमा फिर कि संसार से जो मुक्ति होती है वो मुक्ति तीन गति से नहीं होती, एक से ही होती है। एक से होती है, तीन से नहीं होती। एक से होती है, तीन से नहीं होती। तो दूसरा विचार फिर मनुष्य भव की महिमा पर चला। एक तीन का दिन है ने, एक मनुष्य भव से संसार से मोक्ष, तीन गति से मोक्ष नहीं होता, ऐसा विचार आया। मनुष्य भव से ऐसा, एक मनुष्य भव की ऐसी महिमा, उसका कारण है कि मनुष्य भव में ही संसार से मोक्ष होता है। उसका कारण ये क्षणिक के बोध के बल पर नित्य के अनुभव की यात्रा और मुनि धर्म की यात्रा होती है। बाकी की तीन गति में अनित्यता की असारता का ऐसा बोध नहीं होता जैसा मनुष्य भव में होता है। ये मनुष्य भव की विशेषता है। संसार से मोक्ष मनुष्य का होता है। इसलिए क्योंकि नरक में जन्म हुआ ना, तो नारकी को जैसे ही जन्म हुआ, अब कम से कम 10,000 बरस के लिए तो मृत्यु होती ही नहीं है नरक में, स्वर्ग में ऐसा। और तिर्यंच में इतनी विचार करने की क्षमता नहीं है, एकेंद्री से लेकर के असंगनी पंचेंद्री जीवों को तो मन ही नहीं है। संगनी पंचेंद्री है मगर उन्हें ऐसा योग प्राप्त नहीं होता जैसा मनुष्य को होता है। इसलिए मनुष्य भव से एक क्षणिक का बोध, इसलिए मृत्यु मनुष्य भव में जैसे घटित होती है, बाकी के भवों में ऐसे बोध नहीं होता मृत्यु का। वहाँ तो स्वर्ग में जन्म हुआ कम से कम 10,000 बरस, नरक में जन्म हुआ कम से कम 10,000 बरस, और मनुष्य में तो कि अरे अभी इस सम्राट ने भरपेट भोजन किया था, बैठा था महल में बैठा था और अभी ढल पड़ा। तो जैसे ही वो मृत्यु का बोध होता है, क्षणभंगुरता का बोध होता है, आपने देखा हो पलटना, बाल काले में से सफेद हो गया, वो पलटना, किसी की मृत्यु हो गई, नीलांजना की मृत्यु हो गई, वो पलटना, परिवर्तन से जो बोध होता है और परिवर्तन जो मनुष्य भव में जैसा होता है ऐसा बाकी के भवों में नहीं होता। इसलिए मनुष्य भव में क्षणिक के बोध का झटका अधिक लग सकता है, और विचार करने की क्षमता भी है, ऐसे उत्कृष्ट निमित्त भी है। मनुष्य भव से ही मोक्ष है, तीन भव से मोक्ष नहीं। फिर तीसरी बात ये कि मैं मनुष्य गति, ये गति में मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति, नरक गति, मेरा ऐसा सौभाग्य, ऐसा विचार चल रहा था। फिर मनुष्य, मैं मनुष्य, वर्तमान में मैं मनुष्य हूँ ऐसा मानना, मनुष्य हूँ ऐसा मानना मिथ्यात्व है। मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य भव निष्फल गया जिसने ये माना मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य के शरीर में रहकर ये अनुभूति होना कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, उसका मनुष्य भव सफल हुआ। यहाँ तक कहा, सम्यक दृष्टि स्वयं को सम्यक दृष्टि नहीं मानते, मुनि स्वयं को मुनि नहीं मानते, अरिहंत स्वयं को अरिहंत नहीं मानते, सिद्ध स्वयं को सिद्ध नहीं मानते, समस्त ज्ञानी स्वयं को चैतन्य तत्व मानते हैं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मानते हैं, और ये सब सम्यक दृष्टि, मुनि, अरिहंत, सिद्ध,
ये सब पर्याय है। ज्ञानी स्वयं को पर्याय स्वरूप नहीं मानते, ऐसा ज्ञान ज्ञानी 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 से ऐसा ज्ञान दीपक स्मरण में आया था ऐसा। चार 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 का विचार, मगर प्रत्येक विचार में एक एक और तीन एक और, मगर मैं कौन हूँ यह जागृति। वो निंद में भी विचार चलता रहे मगर अंतर में तो मैं, कि मैं तो बाहर निकला ही नहीं हूँ, ये विकल्प की यात्रा हो रही है ऐसा ऐसा। वो प्रतिबिंबित हो रहा है मगर वहाँ कहीं पर भी नहीं है, यात्रा करते करते विकल्प आए और जाए मगर स्वरूप की सत्ता में वो नहीं है ऐसा। ज्ञान दीपक वो चार से ये स्मरण में आया, चार ज्ञान दीपक मेरे स्मरण में आए थे। वो रात को ऐसे ही विचार चल रहा था, चार ज्ञान दीपक है, पहले नंबर का ज्ञान दीपक, दूसरे नंबर का ज्ञान दीपक, तीसरे नंबर का ज्ञान दीपक, चौथे नंबर का ज्ञान दीपक ऐसा। तो चार ज्ञान दीपक स्मरण में आए, तो तीन एक और एक एक और उससे ऐसा। अब ज्ञान में ऐसा विचार ऐसा कि तीन ज्ञान दीपक ऐसे हैं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, एक ज्ञान दीपक ऐसा है जो उम्र में मुझसे छोटा है, एक और तीन। मगर तभी फिर वो विचार जैसा है ना कि एक ज्ञान दीपक मुझसे उम्र में छोटा है, चार नंबर का ज्ञान दीपक, और तीन ज्ञान दीपक है वो उम्र में बड़े हैं, छोटे बड़े का भेद मिट जाना ही धर्म है। वो अंतर में वो विचार, ज्ञान में ऐसा विचार आए मगर अंतर में कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, कौन छोटा और कौन बड़ा, ये छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है ऐसा। फिर ये पांचवी बात ये स्मरण में आई थी, मान का आधार है। मनुष्य भव में तीन कषाय मुख्य नहीं होते, एक ही कषाय मुख्य है, एक कषाय मुख्य वो मान मुख्य। और प्रत्येक गति में ऐसा है, नरक गति में क्रोध की प्रधानता होती है, तीन कषायों की नहीं। मनुष्य गति में मान की प्रधानता होती है, तीन कषायों की नहीं। तिर्यंज गति में माया की प्रधानता होती है, तीन की नहीं। और देव गति में लोभ की प्रधानता होती है, बाकी तीन की नहीं। एक तीन होते चारों है मगर एक की प्रधानता है, और बाकी तीन वहाँ गौण है, मगर है चारों मान का भाव। एक और तीन ऐसा विचार चल रहा था। फिर संसार में कोई जीव छोटा नहीं है, कोई जीव बड़ा नहीं है, छोटे बड़े की भावना मान का आधार है। संसार स्मरण में आते ही एक तिर्यंच गति ऐसी है जिसमें अनंत जीव है, बाकी की तीन गति ऐसी है जिसमें अनंत जीव नहीं होते ऐसा। अनंत जीव सिद्ध भगवान अनंत है, और निगोदिया अनंत है, निगोद आता है तिर्यंच गति में। तो तिर्यंच गति से फिर वो विचार चला, एक तिर्यंच गति में अनंत जीव है, बाकी की तीन गति में अनंत जीव नहीं है, मगर उनसे मुझे क्या, मैं अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा। समय यह जागृति
शरीर में अनंत निगोदिया जीव है, ऐसा। प्रति समय यह जागृति निगोदिया भी शरीर में रहते हैं, मगर यह शरीर अनंत निगोदिया का नहीं हो जाता, ऐसे ही यह शरीर मेरा नहीं हो जाता। यह जागृति विचार विचार चार से, चार गुणस्थान स्मरण में आए थे। एक गुणस्थान, प्रथम चार गुणस्थान में एक गुणस्थान ऐसा है जो ज्ञानियों का गुणस्थान है, और तीन गुणस्थान ऐसे है जो अज्ञानी के गुणस्थान है। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन गुणस्थान ये अज्ञानी के गुणस्थान है, और ये अविरत सम्यक तो चौथा गुणस्थान ये ज्ञानी का गुणस्थान। तो एक एक और तीन गुणस्थान एक और, ऐसा विचार चल रहा था। मगर फिर उस विचार में भी कि ऐसा विचार चले, तब ये जागृति कि चौथा गुणस्थान ज्ञानी का, अरे चौदहवा गुणस्थान भी हो तो ज्ञानी स्वयं को चौदहवें गुणस्थान वाला भी नहीं मानते, क्योंकि चौदहवें गुणस्थान वाला मानना माने स्वयं को संसारी मानना, और ज्ञानी तो स्वयं को त्रिकाल मुक्त स्वरूप मानते हैं। वो सिद्ध पर्याय प्रकट होती है उस रूप नहीं, क्योंकि वो प्रकट हुई, और अनादि अनंत ऐसी जो ध्रुव शुद्ध चैतन्य सत्ता, उस स्वरूप स्वयं को मानते हैं। इसलिए भले एक गुणस्थान ज्ञानी का और तीन गुणस्थान अज्ञानी के, तो उससे मुझे क्या। ज्ञानी का एकत्व वहाँ पर पर्याय में नहीं होता, ये सब गुणस्थान पर्याय है। इसलिए तो कहा न कि ज्ञानी स्वयं को छठे गुणस्थान, मुनि स्वयं को छठे सातवें गुणस्थान में झुलने पर भी छठे सातवें गुणस्थान वर्ती नहीं मानते हैं। इसलिए ये कहा मैं प्रमत्त नहीं हूँ, मैं अप्रमत्त नहीं हूँ। एक से लेकर छः और सात से लेकर चौदह ये गुणस्थान स्वरूप मैं नहीं हूँ, ऐसा पर्याय से न्यारा। पर्याय 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 फिर ये विचार चल रहा था, फिर पर्याय पर्याय से विचार चल रहा था। एक और तीन चार, एक और तीन चार, तो पर्याय में ऐसा चार अभाव है। चार अभाव में एक अभाव ऐसा है जो द्रव्य पर घटित होता है, और तीन अभाव ऐसे है जो पर्याय पर घटित होते हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, ये पर्याय पर घटित होते हैं, और अत्यंत अभाव एकमात्र ऐसा अभाव है जो द्रव्य पर घटित होता है। वो विचार चला एक तीन चार, एक तीन चार तत्व विचार। मगर अब उसमें स्वरूप की सत्ता कैसे उसमें घटित होती है, वो प्रत्येक विचार में ऐसा चल रहा था। ऐसा कहता हूं वर्तमान वर्तमान पर्याय, भूतकाल की पर्याय, वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव, वो तो प्राग भाव। वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव, वो प्रध्वंसा भाव। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, ऐसा वो अन्योन्या भाव। मगर ये पर्याय 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 तीनों में पर्याय 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 आया, ऐसा वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव। ऐसा जो दही है तो दही अभी दही है, मगर पहले भूतकाल में वो दूध था, तो दही का दूध में अभाव। उसका उसका मतलब ये है कि वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय के साथ में कोई लेना देना नहीं है, अर्थात जो वर्तमान में ऐसा, जो वर्तमान में कोई व्यक्ति आया है ऐसा, जो भूतकाल में इतने पाप करके वर्तमान में तुम्हारे सामने आया,
तुम ऐसा मत देखना कि अरे वरना क्या होगा, वर्तमान पर्याय को भूतकाल की पर्याय से जोड़कर देखेंगे तो अनंत सिद्ध पापी दिखाई देंगे, क्योंकि भूतकाल में तो पाप करते थे, मगर वर्तमान पर्याय जो है वो वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय से कोई लेना देना नहीं है, वो प्रागभाव। मगर वर्तमान में जो पाप करते हैं उनका क्या, सिद्ध भगवान वर्तमान में तो नहीं करते, मगर जो वर्तमान में करते हैं उनको तो पापी देखे ने कि नहीं, वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में भाव, ये पर्याय भी भविष्य में रहने वाली नहीं है, इसलिए उन्हें पापी के रूप में न देखो, क्योंकि ये पर्याय अनंत काल थोड़ी रहती, एक समय के बाद तो पर्याय चली जाती। इसलिए पद्वंसा भाव ये कहता है कि भगवान को प्राग भाव नहीं मानोगे तो भगवान पापी दिखाई देंगे, और प्रध्वंसा भाव नहीं मानोगे तो मोक्ष कभी होगा ही नहीं, क्योंकि पापी पापी रहेंगे। और अन्योन्य भाव में ये कि एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय, ये जो तुलना करने की, मेरा शरीर इतना सुंदर है तुम्हारा अच्छा सुंदर नहीं है, इतना सुंदर ऐसा है वैसा है, तो जो एक पुद्गल की पर्याय और दूसरे पुद्गल की वर्तमान की पर्याय, उसका एक दूसरे में अभाव है, कोई लेना देना नहीं है, उसकी तुलना भी मत करो, सब अपने अपने में है ऐसा ऐसा। और अन्योन्या भाव के बाद अत्यंता भाव, उसमें पर्याय नहीं आया, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, इसलिए एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव। अज्ञानी ये मानता है मैं इन पर्यायों में कहीं ना कहीं परिवर्तन कर दूंगा, और ज्ञानी श्रद्धा है कि पर्याय का परिणमन जो होता है करता नहीं हूं, सिर्फ मात्र जानने में आने के कारण मैं कैसे मान लूं कि मैं उसका कर्ता हो गया, ऐसा स्वरूप है। ये तो जितने जीव इसमें डुबकी लगाएंगे वो आनंद को भोगेंगे, बाकी तो लगेगा कि कल भी ये सुना था आज भी ये सुना, नहीं कल का तो कल गया, अभी जो भोग रहा हूँ वो तो कभी नहीं भोगा, अभी के समय में भोगा, आनंद लिया, बात खत्म हो गई, फिर नया समय आया कि फिर निचोड़ करके रस पिया, फिर उसका आनंद लिया, एक समय भी व्यर्थ में नहीं गवाता वो ज्ञानी, एक एक समय की पर्याय में वो भोगता है त्रिकाली को, ऐसा एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव। जो अज्ञानी क्या कहता है कि जो अभी मिला है वो सब छूट जाएगा, जो आया है वो जाएगा, जो संयोग मिले हैं उस संयोग का वियोग होगा, अज्ञानी ये कहता है कि संयोग का वियोग होगा, ज्ञानी ये मानते हैं संयोग का वियोग होगा, ऐसा नहीं, दो द्रव्यों के बीच में अभी अत्यंता भाव है, संयोग की बात तुम करते कैसे हो कि हम सब अभी यहाँ मिले हैं, ऐसा संयोग हुआ है तो फिर बिछुड़ जाएंगे एक घंटे बाद, ज्ञानी को ऐसा दृष्टि में नहीं आता कि बिछुड़ गए, क्योंकि जब बैठे हैं तब भी अंदर में चैतन्य सत्ता ये शरीर के साथ भी संयोग में नहीं है, ऐसी दृष्टि कि मैं तो अपने में हूं, ऐसी दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि, अपने में हूं, शरीर तो मेरे में है ही नहीं, फिर ये शरीर बैर बिखेर होगा, अरे शरीर चला गया शरीर चला गया, अरे जब था ही नहीं मेरे में तो कहाँ चला गया, उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि, अत्यंता भाव, ये एक द्रव्य पर घटित होता है और तीन अभाव जो है वो पर्याय पर घटित होते, एक तीन से ये विचार चल रहा था, तीन एक तीन चार कुल चार, ऐसा शरीर के परमाणु का वियोग हो गया नहीं, ज्ञानी की दशा न्यारी है अज्ञानियों की दशा से, इसलिए ज्ञानी की दृष्टि सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी के लिए एक है अज्ञानी के लिए तीन है, ये हो गए चार, ऐसा विचार आया, फिर ज्ञानी के लिए एक, ज्ञानी को पूछा कि लोग कितने हैं, ज्ञानी ने कहा एक, अज्ञानी को पूछा कितने लोग हैं, तीन, एक तीन, ज्ञानी को पूछा कितने लोग हैं, एक, कौन सा, चैतन्य लोग, एक ही है, एक चैतन्य लोग, अज्ञानी कहता है तीन लोग है, ऊर्ध्व लोग मध्य लोग अधो लोग, तो ऐसे लोग से एक लोग तीन लोग चार विचार, मगर मैं तो चैतन्य चैतन्य
चैतन्य, और तब ऐसा पसीना आया उतना, ये सब रात को ऐसे नींद में पसीना आया तब वो स्मरण में आए। ऐसा गर्मी हो रही थी इसलिए वो 10वीं बात वो स्मरण में आई। अब तक मैं एक एक करके फिर बाद में सब बता दूंगा, एक बार रिवीजन कर दूंगा कि ये 20 जो बात मैं आपको बता रहा हूँ रात्रि में ऐसे चली, और ऐसी 100 एक ही, मगर उसमें ये उदय का परिणाम ये मैं नहीं, मगर ये जो विचार चलता है उस विचार का सदुपयोग करके स्वरूप की यात्रा हो तो सार्थक हो गए। ऐसा गर्मी हो रही है, ऐसी गर्मी हो रही, पसीना हो रहा है, पसीना हो रहा है। ज्ञाता दृष्टा, इसमें तू क्या कर सकता है? ये तू लाया है, तू क्या कर सकता है? इसे तू दूर कर सकता है? विचार तो करो, सिर्फ उसका विचार, विचार। विचार, 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 एक तीन, क्या कर सकता हूं मैं? ये बस जो हो रहा है, मैं हूं बस। गर्मी हो रही थी तब, 10वां पॉइंट ये आया था, शीतलनाथ भगवान स्मरण में आए थे ऐसे, क्योंकि शीतल माने ठंडा, गर्मी हो रही है मगर गर्मी में शीतलनाथ स्मरण में, शीतलनाथ 10वें तीर्थंकर स्मरण में आए उस समय, गर्मी में 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ, कि तू नाथ है, शीतल है वो पुद्गल की पर्याय है, और तू नाथ है, चैतन्य नाथ है। ऐसा जस्ट बी 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 1 3 1 3 ABCD में सबसे ठंडा अक्षर कौन सा है? तो बी अक्षर सबसे ठंडा है, बी अक्षर सबसे ठंडा अक्षर है ABCD में, जस्ट बी, बस साक्षी रह, बस साक्षी रह, साक्षी रह, जस्ट बी 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 ABCD में ठंडा अक्षर बी है। फिर तुमने पूछा क्यों? एसी के बीच में रहता है तो ठंडा हो गया होगा ना, इसलिए बी एसी ABC, AC के बीच में, वो तो B B B ऐसा विचार आया, AC, तो AC वो विचार आया तो AC में फिर एक पहला A और तीसरा C, एक और तीन, एक और तीन, एक और तीन, आज AC का दिन है, पहली तारीख, तीसरा महीना, पहला अक्षर A, तीसरा अक्षर C, AC, AC, मैं AC नहीं हूँ ना, मैं AC हूँ। आपने कहा कि आप तो मना करते थे, ये तो ऐसी तो पुद्गल है, नहीं, आत्मा चैतन्य, ये तो आत्मा तो चैतन्य है, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, ऐसा विचार चल रहा था। उस विचार के चलते चलते फिर गर्मी दूर हो गई, गर्मी है ही नहीं अब वहां। फिर तुमने पूछा ऐसा, यदि ज्ञानी को ऐसी गर्मी लगे और एसी चालू न करे, तबीयत बिगड़ जाए, फिर क्या करेंगे? क्या होगा, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मौत, मौत ही तो आएगी। हाँ, कहाँ जन्म लेंगे? स्वर्ग में देव होंगे, मगर उसमें भी फिर एक और तीन चार, सम्यक दृष्टि, 4 प्रकार के स्वर्ग के देव है, उसमें एक ही देव होता है सम्यक दृष्टि, 3 देव नहीं होता। वैमानिक देव में जन्म होता है
भवनवासी ज्योतिषी और व्यंतर में जन्म नहीं होता। तो एक में जन्म होता है, तीन में जन्म नहीं होता, एक और तीन चार। मगर मैंने ये बात तुमको बता दी है, तुम भूल गए। एक और तीन चार, वैमानिक देव में जन्म लेता है, यानी स्वर्ग में जन्म ले तो वैमानिक देव होता है, व्यंतर नहीं होता, ज्योतिषी नहीं होता, भवनवासी नहीं होता, ऐसे देव में जन्म नहीं लेता। समय दृष्टि, तीन देव में जन्म नहीं लेता, एक में जन्म लेता है, मगर स्वयं को वैमानिक देव स्वरूप नहीं मानता, क्योंकि देह स्वरूप नहीं मानता, तो देव स्वरूप कैसे माने? नहीं नहीं देव स्वरूप तो मानता है, तो कौन सा देव? के चैतन्य देव, आत्म देव, भगवान आत्मा स्वरूप मानता है, स्वर्ग में देव स्वरूप नहीं मानता। शरीर की पर्याय तो बदल जाए, ऐसे अंतर में जोर ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता का जोर, सत सत तो सत्य है ऐसा, फिर सत स्मरण में आया था, सत सत एक है, सत्य तो एक है, सत्य एक है और सत्य तीन भी है, सत कहो तो एक सत है और तीन कहो तो उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये तीनों सत है, उत्पाद व्यय और द्रव्य, उत्पाद और व्यय है ये पर्याय सत, पर्याय रूप सत है, और द्रव्य है वो द्रव्य रूप सत है ऐसा। मगर सत एक और तीन, एक और तीन, ये सत ऐसा, ऐसी सत की श्रद्धा हो, सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन होगा तो फिर केवल दर्शन भी होगा। सम्यक दर्शन या श्रद्धा गुण की पर्याय, केवल दर्शन है वो दर्शन गुण की पर्याय है, उसका स्पष्ट मैंने थोड़ा कल किया था, दर्शन देखना ऐसा। चार दर्शन होते हैं तो उसमें एक दर्शन अलग है और तीन दर्शन अलग है, केवल दर्शन जो है वो केवली को होता है, और तीन जो दर्शन है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये छद्मस्त को होता है। एक और तीन चार, कुल मिलाकर चार दर्शन होते हैं, चार दर्शन। मति ज्ञान के पहले होता है ना वो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि ज्ञान से पहले होता है ना वो अवधि दर्शन, और केवल ज्ञान से पहले नहीं, केवल ज्ञान के साथ होता है वो केवल दर्शन ऐसा। 13वें नंबर पर ये पॉइंट ऐसा विचार में आया था, 13वें गुणस्थान में केवल दर्शन होता है, केवल दर्शन, केवल दर्शन, मगर केवल दर्शन ये मेरा स्वरूप नहीं। जब दर्शन ज्ञान श्रद्धा चारित्र ऐसे गुणों के भेद भी मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो अभेद हूं, ऐसा विचार से मैं अभेद हूं, स्वरूप तो अभेद है, तब फिर ये कहा एक और तीन का विचार चाहे तो कृपालु देव स्मरण में आए थे, फिर कृपालु देव स्मरण में आए इसे एक और तीन। एक हो यत्रण काल मा परमारथनो पंत, एक तीन स्वरूप तो एक ही है तीनों काल में, भविष्य में स्वरूप बदलेगा नहीं, स्वरूप भविष्य में बदल जाएगा तो कुछ ऐसा आलसी लोग ऐसा सोचेंगे कि भविष्य में मोक्ष में जाएंगे, थोड़ा स्वरूप थोड़ा बदल जाएगा, तो भरत क्षेत्र में, विधेय क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में आत्मा की अनुभूति का स्वरूप और चैतन्य स्वरूप ये बदल नहीं जाता।
स्वरूप नहीं बदल जाता, स्वरूप तो यही है। इसलिए तो पंचम काल में धर्म का स्वरूप नहीं बदल जाता, स्वरूप तो वही रहता है। हाँ, ये कह दिया कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, मगर ऐसा नहीं होता, थोड़ा ढीला मुनि धर्म का पालन करोगे, दोष वाला मुनि धर्म का पालन करोगे तो पांचवे काल में चल जाएगा, ऐसा नहीं कहा। मगर मोक्ष होता नहीं है ये कहा, मगर स्वरूप तो वही है कि उस विधि से जो पालन करता है उसका मोक्ष है, जो इस काल में नहीं है। मगर स्वरूप तो वही है, स्वरूप में कोई फेरफार नहीं होता, ऐसा विचार चला। यहाँ पर समाप्त हो रहा था, निश्चय निश्चय सर्वे ज्ञानिनो अत्रे आवि समय, ऐसा कि वो निश्चय नई स्मरण में आया। निश्चय नहीं चार प्रकार के होते हैं, एक निश्चय नहीं ऐसा है जिसका विषय दृष्टि का विषय है, और तीन निश्चय नहीं ऐसे है जिसका विषय दृष्टि का विषय नहीं है, ऐसा अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं, ये तीन निश्चय नहीं ऐसे है। ये जिनको उसका स्वरूप इतना स्पष्ट होगा ना, उनको ये समझ में आएगा, बाकी तो ऊपर ऊपर से सुन लो सिर्फ ऐसे। ये अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं, और एक निश्चय नहीं ऐसा है जिसका विषय दृष्टि का विषय है, वो है परम शुद्ध निश्चय नहीं। अशुद्ध पर्याय के साथ अभेद रूप से आत्मा को जानना, अशुद्ध पर्याय से अभेद, एक देश शुद्ध पर्याय से अभेद जानना, वो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं। अशुद्ध पर्याय के साथ अभेद जानना अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध पर्याय से आत्मा को अभेद जानना वो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, और पूर्ण शुद्ध पर्याय के साथ आत्मा को अभेद जानना वो पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं। और आत्मा को परद्रव्य से और पर्याय से न्यारा, ऐसा शुद्ध चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, ऐसा जानना, वो जो जानने वाला नहीं है वो परम शुद्ध निश्चय नहीं है। एक परम शुद्ध निश्चय नहीं, एक और तीन निश्चय नहीं, एक और एक परम शुद्ध निश्चय नहीं की तुलना में फिर ये तीन जो अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं, उसे व्यवहार नहीं कह दिया। इसलिए व्यवहार नहीं, क्योंकि दृष्टि का विषय नहीं है, वो सब व्यवहार की श्रेणी में डाल दिया। फिर वो तो निश्चय इसलिए पहले कहा था क्योंकि वो अभेद 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 जैसा वस्तु का स्वरूप है, वो उत्पादवे द्रव्य युक्तम सत, ऐसा है ना, तो उसमें द्रव्य में वो पर्याय है, वो प्रमाण के विषय द्रव्य में वहाँ पर्याय है, इसलिए उसको निश्चय नहीं कहा। मगर अनुभूति उसके विषय के लक्ष्य से उसकी ओर दृष्टि करने से नहीं होती है, ऐसा निश्चय निश्चय नहीं ये स्मरण में आया। सब कर्मों का नाश हो जाता है, अगर सब कर्मों का नाश होता है तो उसमें शुरुआत ऐसे होती है, घाती कर्म अघाती कर्म वो स्मरण में आए थे। घाती कर्म जो है वो चार घाती कर्म है, मगर चार घाती कर्म में एक कर्म ही ऐसा है जिसका उपशम होता है, और तीन कर्म है तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय, इसका उपशम नहीं पर मोह का उपशम, इसलिए औपशमिक सम्यक दर्शन ये कहा। ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का उपशम नहीं होता, वरना क्या हो जाए कि ज्ञानावरणी कर्म का उपशम हो गया, उपशम हो गया, उपशम हो गया, पूरा उपशम हो गया कि बस ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया, जैसे कि दर्शन मोहनीय कर्म है उसका उपशम हो जाता है तो सम्यक दर्शन हो गया, तो ऐसे ही ज्ञानावरणी कर्म का उपशम हो गया तो केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया तो फिर उदय में आएगा तो केवल ज्ञान छूट जाएगा, फिर जैसे सम्यक दर्शन औपशमिक सम्यक दर्शन जैसे छूट जाता है ऐसे केवल ज्ञान भी छूट जाएगा, ऐसा मानना पड़ेगा, मगर ऐसा होता ही नहीं है।
तो ये एक ही कर्म में ऐसा उपशम होता है, तीन में नहीं होता है। मगर मैं तो कर्म स्वरूप हूं नहीं, ऐसा चैतन्य चैतन्य, ऐसा विचार 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 चल रहा था ऐसा। ऐसा कर्म का नाश चिन्ह का हो गया, ऐसे घाती कर्म का नाश हो गया, घाती कर्म परमेष्ठी और मांगलिक सब स्मरण में आ रहा था। परमेष्ठी, संसारी परमेष्ठी, संसार में जो परमेष्ठी है, जो शरीर सहित है, वे चार परमेष्ठी है, उनमें तीन और एक, एक परमेष्ठी ऐसे है जो देव है, और तीन परमेष्ठी ऐसे है जो गुरु है। अरिहंत परमेष्ठी देव है, आचार्य उपाध्याय साधु ये गुरु है, ये चारों है संसारी परमेष्ठी, चार संसार में, ऐसा है विचार विचार। फिर वो चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण, ऐसे अरिहंत, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। धर्म, धर्म कोई जीव नहीं है, वस्तु का स्वरूप है, वस्तु स्वरूप वाला है वो मंगल, वो एक है, और जीव जिसमें है सचेतन, ऐसे तीन, अरिहंत सिद्ध और साधु, उनको तीन लिए, और चत्तारी लघुत्तमा, तो चार लोक में उत्तम का है, मगर अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, ये तीन, मगर यहाँ कहा ऐसा है केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो, वो एक एक और एक धर्म के आश्रय से ये तीनों उस पद पर विराजमान हुए हैं, उन्होंने धर्म को अपनाया है। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि, ऐसा विचार चल रहा था। सब ये सब विचार चल रहा था, मंगल उत्तम और शरण। तभी फिर विचार आया कि आज मैं आपको ये सब रहस्य बताऊंगा, मगर एक साथ में तो ये सब रहस्य बताए नहीं जा सकते। अभी इतना संक्षिप्त में बताया तो भी समय बीत गया। मैं जाऊंगा आज ज्ञान दीपकों को ये सब कहूंगा। चार कमरे हैं ना, चार में, तीन के अंदर तो जाऊंगा ही नहीं, एक में ही जाऊंगा, और एक में जाऊंगा, तीन में नहीं जाऊंगा। तीन में एक और तीन, एक और तीन, एक और तीन, उससे चार चार चार, आज एक और तीन का दिन है ना, ऐसा विचार चल रहा था, ये भी विचार चल रहा था, मगर नहीं, आज वहां पे जाऊंगा नहीं, मैं प्रवचन हॉल में जाऊंगा, ऐसा विचार आया। प्रवचन हॉल में जाऊंगा, ऐसा विचार आया, और उससे फिर वहाँ आया प्रवचन हॉल में, और मैंने दर्शन किए वहाँ पर। चार तस्वीर मैंने देखी, चार तस्वीर के दर्शन किए, तो चार जो है ना, वो चार में एक अलग है और तीन अलग है। उसमें तस्वीर में आप देखते हो, सिमंदर भगवान है, पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी है, फिर महावीर भगवान है, और परम कृपालु देव है। तो एक तस्वीर उनकी है जो विदेह क्षेत्र में, और तीन तस्वीर उनकी जो भरत क्षेत्र में, महावीर भगवान, पूज्य गुरुदेव श्री और कृपालु देव, ये भरत क्षेत्र की तस्वीर, और सिमंदर भगवान ये विदेह क्षेत्र, एक और तीन चार, एक और तीन चार। फिर मैं प्रवचन के लिए आने के लिए निकलने वाला, और फिर और
ये तो 20 बातें प्रारंभ में ऐसी विचार में चल रही थी, मैं तो चैतन्य सत्ता मात्र कहाँ जाऊँ, जो स्थित है कहाँ जाए। फिर बाकी की 80 बातें जो मुझे विचार में आई है वो मैं आपको बताऊंगा, समय मिला तो कल। मगर आज जो बातें मैंने आपको बताई, एक बार क्विक नंबर के साथ में मैंने इसमें लिख ली है, इसलिए आपको बता देता हूँ, नंबर के साथ में बोलता हूँ। फिर सबसे पहले एक नंबर पर आत्मसिद्धि शास्त्र कृपालु देव ने 4 जीवों को दी थी, उनमें सौभाग भाई, अंबालाल भाई, लघुराज स्वामी और माणिकलाल झवेरी। सौभाग भाई का नाम लिखा, 1-3 का नाम नहीं लिखा। अंबालाल भाई ने लालटेन पकड़ी थी, 3 ने नहीं पकड़ी थी। दूसरे नंबर पर संसार से मोक्ष होता है तो मनुष्य भव से ही होता है, देव तिर्यंच नरक से नहीं। तीसरे नंबर पर कि मैं 4 गति होती है, उनमें मनुष्य गति का जीव, देव गति, तिर्यंच गति, नरक गति का जीव नहीं हूं। चौथे नंबर पर ज्ञान दीपक, पहले चार ज्ञान दीपक, जिनमें 3 ज्ञान दीपक ऐसे हैं 4 में से जिनकी आयुष्य मुझसे ज्यादा है, और एक ज्ञान दीपक ऐसा है जो मुझसे छोटा है। फिर छोटे और बड़े के भाव से, भेद के भाव से पार होने के लिए 5वें नंबर पर जो ये कषाय, मनुष्य में मान कषाय की मुख्यता और क्रोध माया और लोभ कषाय की मुख्यता नहीं है, प्रधानता नहीं है। 6ठे नंबर पर संसार में अनंत जीव है, वो एकमात्र तिर्यंच गति में अनंत है, बाकी की 3 गतियों में नहीं। 7वें नंबर पर गुणस्थान जो है, वो पहले 4 गुणस्थान में एक गुणस्थान अविरत सम्यक्त्व, ये ज्ञानी का गुणस्थान, मिथ्यात्व सासादन सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व, ये अज्ञानी के गुणस्थान। 8वें नंबर पर अभाव होते हैं, वे 4 होते हैं, मगर अत्यंत अभाव एक ऐसा अभाव है जो द्रव्य पर घटित होता है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, ये पर्याय पर घटित होते हैं। और 9वें नंबर पर लोक, लोक चैतन्य लोक एक और बाकी 3 लोक ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक। ज्ञानी चैतन्य लोक में निवास करता है, अज्ञानी ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक में निवास करता है। 10वें नंबर पर शीतलनाथ भगवान स्मरण में आए थे, एसी जस्ट बी, भी आत्मा में ही रहना, कैसी भी शरीर की स्थिति हो उस स्थिति में। 11वें नंबर पर सम्यक दृष्टि, मरकर देव गति में जन्म ले तो वैमानिक देव होते हैं, भवनवासी ज्योतिषी व्यंतर नहीं होते। 12वें नंबर पर द्रव्य का लक्षण क्या है, कि सत द्रव्य का लक्षण है, मगर सत 3 प्रकार के हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। 13वें पर दर्शन 4 प्रकार के होते हैं, केवल दर्शन एक केवली भगवान को, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, छद्मस्त को। 14वें नंबर पर स्वरूप स्मरण में आया था, एक होई त्रणकाल मा परमार्थनु पंथ। 15वें नंबर पर निश्चय नहीं, 4 प्रकार के, उसमें परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय व दृष्टि का विषय, अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं का विषय, दृष्टि का विषय नहीं। 16वें नंबर पर घाती कर्म में जो उपशम होता है वो एक मोहनीय कर्म में होता है, मगर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्म में नहीं। 17वें नंबर पर संसारी परमेष्ठी है, वे 4 है, उनमें एक परमेष्ठी अरिहंत परमेष्ठी देव है, आचार्य, उपाध्याय, साधु, गुरु है। 18वें नंबर पर मांगलिक स्मरण में आया था, मंगल उत्तम शरण में धर्म जो जीव नहीं है मगर अरिहंत, सिद्ध और आचार्य, ये 5 परमेष्ठी में आते हैं। और 19वें नंबर पर ये कमरा स्मरण में आया था, 4 नंबर का,
चार 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 से फिर प्रवचन हॉल 20वें नंबर पर स्मरण में आया था कि सबसे पहले 20वें नंबर पर स्मरण में आया कि पहले ही दर्शन किए 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र के 20वें नंबर पे, तो सिमंदर स्वामी विदेह क्षेत्र पर है, ये 20 तीर्थंकर में ये सिमंदर स्वामी और बाकी के 3 तो भरत क्षेत्र में है। महावीर भगवान ये तीर्थंकर भगवान, पूज्य गुरुदेव श्री और परम कृपालु देव ये सद्गुरुदेव, ऐसा विचार ये चला। अब जो 80 बातें हैं, ये 20% बातें अभी मैंने आपको बताई, 80% बातें आपको बतानी है। ये सब विकल्पों में चलती रहे तो चलती रहे, न चले तो न चले, जागृति ये रहे कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। आज इतना ही।